हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। दिस साइड सी दिव्यांशु बांझल। भाई लोग, पहले मैंने तुम्हें दिया 20 घंटे का क्रैश बैच, उसके बाद मैंने दिया तुमको 7 आवर्स का पूरा मैराथन। अब ये दो टाइप के स्टूडेंट कवर हो गए कि भाई जिसके पास 20 घंटे का टाइम था उसने 20 घंटे में हमारा ऑडिट कंप्लीट किया, जिसके पास 7 आवर्स का टाइम था उसने मैराथन से अपना ऑडिट कंप्लीट किया। अब बचते हैं वो स्टूडेंट जो बोध ग्रुप दे रहे हैं और ऑडिट में भाई बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की हुई, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ऑडिट वो छोड़ के जाने वाले। तो भाई उनके लिए मैं लेके आया हूँ सुपर 40 क्वेश्चंस कि भाई तुम्हारे पास एक दिन दो दिन का टाइम है और तुमको ऑडिट कंप्लीट करना है। तो मैंने जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे थे, सुपर 40 नहीं है, सुपर 39 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें कम है। क्यों कम है भाई? 39 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे तो इंपॉर्टेंट 39 डाल दिए, ठीक है। तो भाई ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से निकाल लेना। सुपर 39 क्वेश्चन है। डाउनलोड करने से पहले दो तीन बातें मेरी ध्यान रख लेना, उसके बाद तुम डाउनलोड करना। किन स्टूडेंट्स को देखना है भाई? जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और जो ऑडिट छोड़ के जाने वाला है उनको देखना है। क्यों देखना है भाई? जिसने मेरा क्रैश बैच देखा हुआ है, जिसने मेरी मैराथन देखी हुई, तो भाई उसमें क्वेश्चंस कवर है, तुमको कुछ भी नहीं करना, तुम डेफिनेटली पास हो जाओगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जो बिल्कुल एक दिन का टाइम है, दो दिन का टाइम है, तो सुपर 40 क्वेश्चंस लेके आया हूं, दैट मींस 39 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करो, दैट्स इनफ, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। हो सकता है कितने मार्क्स आ जाए भाई लोग, देखो ऑडिट हमारा 50 मार्क्स का है, जिसमें से 15 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू को साइड रखता हूं मैं, बचा कितना 35 मार्क्स में से हो सकता है 20 मार्क्स आ जाए, 25 आ जाए, 30 आ जाए। दैट मींस इस हमारे सुपर 39 क्वेश्चन में से हो सकता है 60% चीज फंसे, 70% 80%, मिनिमम 50-60% तो फंसेगा। आराम से तुम लोग इसको करो, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मैंडेटरी बोल रहा हूँ, मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं, मैंडेटरी है कि ये क्वेश्चंस तो तुमको करके जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में सुनो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, इस पीडीएफ के साथ साथ एक पीडीएफ और डालूंगा और डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक डालूंगा, उसका क्या नाम है भाई? लिमिट चार्ट करके है, लिमिट, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। मैंने क्या किया हुआ, एक पीडीएफ और बना दिए जो एमसीक्यू के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारी लिमिट्स डाल दिए कि भाई रोटेशन ऑफ ऑडिटर की क्या लिमिट होगी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होगा तो उसकी लिमिट वगैरह क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ डाली हुई है। CRA 1, CRA 2, CRA 3, CRA 4, किस किस कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं फॉर्म, वो सब चीज़ें डाली हुई। लिमिट चार्ट की वीडियो भी डाल दूंगा, 45 मिनट की शायद वीडियो है, वो देख लेना, और उसके साथ पीडीएफ भी मैं अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, वो भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू वगैरह के लिए, ठीक है। दोनों दो काम करना है तुमको, पहली चीज़ है सुपर 39 क्वेश्चन करना और ये लिमिट चार्ट वाली वीडियो देख लेना, या फिर लिमिट चार्ट जो पीडीएफ है वो पीडीएफ पढ़ लेना, तुम्हारा आराम से काम हो जाएगा। अब मेरी बात एक और सुनो मेरे राजा, ध्यान से, ये चैप्टर नंबर 1 डाला हुआ है, ठीक है। मैंने इसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया, चैप्टर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे आपको आंसर भी मिलेगा। आंख बंद करके एज इट इज आंसर को याद करो और एज इट इज लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे सारे। एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा सिनेरियो बेस्ड, केस सिनेरियो, केस स्टडी बेस्ड आएगा, तो वो जो लिमिट चार्ट वाला वीडियो में तुमको रिकमेंड कर रहा हूँ वो देख लेना, उससे तुम्हारा वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है, इसका निमोनिक भी बना दिया है और नीचे आपका आंसर है। जिसने मेरी समरी बुक ले रखी हुई है और जिसके पास मैराथन देख रखा हुआ है उनको ये वीडियो नहीं देखना है। जो स्टूडेंट बचे कुछ हैं भाई, बिल्कुल एक दिन का टाइम है, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, ये पीडीएफ लेके आया हूँ भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लो। अभी जैसे चैप्टर नंबर 3 है, अभी मैंने चैप्टर नंबर 1 बताया, ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 पे आ गया, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में कोई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद उसका आंसर है, एज इट इज पूरा का पूरा, कुछ भी कट पेस्ट कुछ मत करना, एज इट इज पूरी की पूरी चीजें याद कर लो, ठीक है। अब चैप्टर का सीक्वेंस कैसे डाला हुआ है वो और मैं आपको बता देता हूं। अगर आप मॉड्यूल को फॉलो करते हैं तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर 2, ये चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, इस तरीके से सीक्वेंस में मैंने डाला हुआ है। मैं तो बोलता हूँ चैप्टर भी साइड रखो, भाड़ में जाए, तुमको बस रटना स्टार्ट करो इस पीडीएफ को। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती ऑडिट से रिलेटेड, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 7999 317 61, आप में से बात कर सकते हो। कोई और भी दिक्कत है भाई कमेंट में डाल दो, कोई इशू नहीं, और सारी डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक वगैरह मिल जाएगी, वहां से तुम निकाल लो, कोई इशू नहीं है। चलो, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।